तो गाइस अभी हम लोग हैं टाइगर हिल के ऊपर। तो गाइस फाइनली सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज दूसरा दिन है यहाँ पे दार्जिलिंग में और अभी सुबह के 4:35 हुआ है और अभी हम लोग को यहाँ से निकलना पड़ेगा टाइगर हिल के लिए, इसीलिए जल्दी जाना पड़ेगा। जो सनराइज है वो तो नहीं देख पाएंगे शायद, बाहर जितना बारिश और मतलब फॉग है इसकी वजह से नहीं देख पाएंगे शायद, फिर भी घूम लेते हैं, जो जो देख सकते हैं देख लेते हैं। तो मैं हूँ योगराज और आप लोग देख रहे हैं योगराज भाई के दिखते, तो अभी बाहर जाते हैं फिर मिलते हैं। तो गाइस अभी हम लोग टाइगर हिल पे आ गया है और यहाँ पे छाता खरीदना पड़ा क्योंकि बहुत बारिश है, इसलिए यहाँ पे एक छाता ले लिया और अभी हम लोग ऊपर जाते हैं। ऊपर कैसा है मतलब फॉग के वजह से कुछ दिखाई तो नहीं रहेगा, फिर भी एक बार जाके देख के आते हैं। तो गाइस अभी हम लोग हैं टाइगर हिल के ऊपर, ये मम्मी और बहन ठंड में कांप रहा है ये लोग तो स्वेटर ले लिया था कल, अच्छा ही है। और यहाँ पे बरसात की वजह से कुछ नहीं दिख रहा है, बस ये थोड़ा थोड़ा आया क्लाउड सब दिख रहा है इधर से, लेकिन अभी सनराइज तो नहीं होगा बारिश के वजह से। थोड़ा टाइम लैप्स लिया था और भी दिखा देंगे, अभी नीचे जाते हैं और दूसरा जगह में जाते हैं। नहीं तो एक बार यहाँ का घर देखो यार, कितना सुंदर लगता है ना मतलब। और इसी तरह हम लोग नेक्स्ट लोकेशन पे जा रहे हैं आगे। सो गाइस अभी हम लोग है बतासिया लोप और यहाँ पे 30 रुपीज करके टिकट लेता है। तो गाइस अभी टिकट लेके हम लोग अंदर आ गया, तो अभी हम लोग पहुँच गया ये बतासिया लोप मतलब पार्क के अंदर और यहाँ का कुछ ये व्यू आगे जाके दिखाते है आप लोग को। अभी हम लोग पहुँच गया इसके पार्क में, सोचा था इधर आके अच्छे से दिखेगा लेकिन नहीं, ऊपर से अच्छे से दिख रहा था तो यहाँ से कुछ नहीं दिख रहा है, ऊपर जगह फिर दिखाएंगे। अभी यहाँ पे आई लव दार्जिलिंग में फ़ोटो खिंचवाते हैं। सो गाइस ये लोग जैसे ड्रेस पहन के आया, अभी मम्मी का भी बहुत मन था ऐसे ड्रेस पहनने का, तो मम्मी ड्रेस पहनेगा, बहन भी और शायद मैं भी। तो गाइस मम्मी नीचे एक बार देखने गए हैं और अभी मैं और बहन जा रहे हैं दार्जिलिंग का ड्रेस पहनने के लिए, ड्रेस पहनते और फिर मिलते। तो गाइस फाइनली ड्रेस पहन लिया और ये पीछे मुनू है और बहन है, ये दोनों एक बार मुनू को देखो गाइस कितना प्यारा लग रहा है। और यहाँ पे पापा भी पहन लिया है, अभी मम्मी पहनना बाकी है, बस मम्मी पहन के आते हैं, तब तक हम लोग यहाँ पे थोड़ा फोटोशूट कर लेते हैं। गाइस कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताना कैसा लग रहा है, और अभी थोड़ा फोटोशूट करते फिर मिलते। ये मम्मी पापा दोनों साथ में पूरा दार्जिलिंग का ड्रेस में आ रहा है। और ये कैसा लग रहा है तुमको, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है बहुत, मुझे ये पहन के बहुत अच्छा लगा आइडिया। यहाँ पे मुनू के साथ हो रहा है फोटोशूट, मुनू नहीं बल्कि हम सब लोगों के साथ हो रहा था क्योंकि हम लोगों ने ड्रेस पहना हुआ था, तो जो कोई भी आ रहा था फोटो खिंचवा रहा था हम लोग से। तो गाइस पीछे जाइए ऐसा नजारा है, अभी ऐसे निकलते हैं दूसरी जगह भी जाना है, यहाँ पे बहुत लेट हो गया तो अभी ऐसे निकलते फिर दूसरी जगह जाते। तो अभी हम लोग जहाँ पे जा रहे हैं वो बहुत नीचे है, तो वहीं पे जा रहे हैं और वहाँ पे जाके मिलते हैं। तो गाइस अभी हम लोग है रॉक गार्डन पे, और ये है रॉक गार्डन, तो एक बार ऊपर जाते हैं गाइस, ऊपर जाके फिर मिलते हैं। और गाइस ये रहा मतलब एक ही वाटरफॉल है
बहुत जगह से देख सकते हो। और थोड़ा ऊपर जाते हैं, फिर ऊपर से भी दिखाएंगे। और ये नीचे का व्यू, ऊपर का बहुत अच्छा है, लेकिन और थोड़ा ऊपर जाके दिखाते हैं आप लोग को। तो गाइस, सबसे ऊपर में यही है और बहुत सुंदर दिख रहा है। अभी और ऊपर है, इस तरफ से जा सकता है, लेकिन बहुत थक गया, नहीं जाएंगे। मम्मी लोग बाहर रुका हुआ है, वो लोग नहीं आया, अच्छा हुआ नहीं आया, बहुत थक गया भाई, बहुत ऊपर रुक के आना पड़ता है। तो गाइस, अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं, फिर नेक्स्ट लोकेशन के लिए जाते हैं। पता नहीं नेक्स्ट लोकेशन कहाँ पे होगा। तो गाइस, नेक्स्ट लोकेशन पे पहुँच गया, ये है बुद्ध टेम्पल, और उस तरफ और एक कुछ है, देखते हैं अभी अंदर जाके। और गाइस, यहाँ पे फॉग तो हट ही नहीं रहा है, मतलब किस्मत में ऐसा ही है, शिलोंग जाएगा फिर भी ऐसा है भाई, इतना दूर आया फिर भी ऐसा ही है। तो थोड़ा ऊपर जाते और ऊपर से दिखाते आप लोग को अच्छे से। तो गाइस, ये रहा बुद्ध टेम्पल, और यहाँ पे कुछ खास दिखाने लायक नहीं है, फिर भी एक बार ये नीचे का व्यू दिखाते। अगर यहाँ पे फॉग नहीं होता ना, तो भाई क्या ही क्लाउड दिखता ना यहाँ से, एक बार देखेगा इस, अच्छे से दिख नहीं रहा होगा। और ये यहाँ पे बहुत सुंदर है। तो गाइस, अभी थोड़ा फॉग हटा है, और देख सकते हो आप लोग कितना अच्छा क्लाउड दिख रहा है इतना दूर से, फोन से दिखा रहा हूँ एक सेकंड। तो अभी हम लोग बुद्ध टेम्पल से मतलब निकल के आ गया, और आप लोग देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है, पहाड़ों के बीच में मतलब बादल सब दिख रहा है। और इसी तरह हम लोग देखते हुए दूसरा लोकेशन पे जा रहे हैं। तो एक बार आप लोग चेक करो गाइस, कितना प्यारा लग रहा है ना, मतलब बोल नहीं सकते कुछ, सिर्फ देखो यार। तब से ना मैं ये वाला नज़ारा देखने के लिए मतलब उतावला हो रहा था, मुझे नहीं दिख रहा था फॉग के वजह से। अभी जाके थोड़ा सा मतलब फॉग हटा और बादल, और बादल के बीच में पहाड़ दिख रहा है, वही देखिए आप लोग भी थोड़ा, और आगे भी मिल सकते हैं, थोड़ा दिखाएंगे आप लोग को। तो अभी यहाँ से निकलते हैं। तो ये जो स्कूल देख रहे हो आप लोग, इस स्कूल पे मतलब यारिया मूवी का मतलब वो शूटिंग हुआ था यहाँ पे। तो ये रहा टेंजिन रॉक मी। तो यहाँ से मतलब पूरा सिक्किम दिखता है, जो कि अभी दिखाई नहीं दे रहा है फॉग के वजह से। तो फिर कभी आएंगे तो दिखाएंगे, अभी जाते हैं दूसरा जगह। तो गाइस, ये दार्जिलिंग का टी गार्डन है, और यहाँ से मतलब एक बार नीचे व्यू देखिए गाइस, कितना प्यारा लग रहा है ना, मतलब यही मैं कब से ढूंढ रहा था, रास्ते में रोक नहीं पा रहा था, अभी मतलब आके ये वाला व्यू दिखाई दिया। तो गाइस, अभी हम लोग घूम फिर के फिर दार्जिलिंग का मेन टाउन पे आ गया, और यहाँ से बस लेके हम लोग को सिलीगुड़ी जाना पड़ेगा ट्रेन के लिए। तो अभी चलते हैं बस में, फिर मिलते हैं।
और इस तरह से हम लोग बस में जाते हुए मतलब ऊपर से देखो यार कितना अच्छा लग रहा है ना, मतलब कुछ बोल नहीं सकते, मुंह से कुछ सब निकाल ही नहीं रहा है, सिर्फ देखो आप लोग बस। और गाइस हम लोग बस में जाते जाते आ गया एरोप्लेन में, देख सकते हो आप, नहीं ऐसे लग रहा था थोड़ा देर के लिए मुझे भी। अभी जाते हैं सिलीगुड़ी और फिर आपसे मिलते हैं। तो हेलो गाइस, अभी हम लोग पहुंच गया है एनजीपी रेलवे स्टेशन, मतलब न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन, और हम लोग का ट्रेन था 8:30 बजे, लेकिन अभी डिले होने के कारण 9:30 बजे आएगा, अभी 9 बजने वाला है। तो आज मेरे साथ दार्जिलिंग घूम के कैसा लगा जरूर से कमेंट में बताइएगा, और आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय।